हेलो हाय बीवल दी, इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि निवेश करना हो अगर विदेश में, तो एक नया विकल्प आपके सामने है। उसकी हमने डिटेल में बात जानकारी दी थी। आपको नहीं देखा है अगर वीडियो, और सबसे पहले इसी पर आ गए हैं तो देख लीजिए इसको भी, लेकिन लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले उसको भी चेक कर लीजिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि विदेश में निवेश करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है, एक अच्छा विकल्प आपके सामने है। जरिया बन रहे हैं क्रिस्टल डॉट ए आई, जिसके फाउंडर और CEO हमारे हमारे साथ हैं आशीष चंदा जी। तो हमने प्रोडक्ट के बारे में बात की थी आशीष, कि ETF नाम से यहाँ पर लोग फेमिलियर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें निवेश ज्यादा होता नहीं है निवेशकों का। करेक्ट, सही बात है। तो बाहर में चलता है, बाहर में काफी पॉपुलर है, शायद वहां से देखकर ही यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो क्यों लगता है आपको कि यहाँ पर लोग क्यों नहीं करते हैं ETF में निवेश? तो ETF पहले का फुल फॉर्म पहले बता देते आप, पहले मैं आपको हैं। बता देता हूँ ETF है क्या। हाँ तो ETF है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड, बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही है, लेकिन एक्सचेंज पे ट्रेड होता है स्टॉक की तरह। तो जैसे आप म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे भेजते हैं तो आप एंड ऑफ डे पे भेजते हैं या जैसे भी भेजते हैं, ETF में आप बिल्कुल एक्सचेंज पे जाके स्टॉक की तरह खरीद सकते खरीदते हैं, हैं। बेच सकते हैं। तो आप समझिए, अगर म्यूचुअल फंड को एक स्टॉक की तरह लिस्ट कर दिया जाए उसको ETF कहते हैं। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों नहीं। चीजों में, सिवाय इसके कि वो एक्सचेंज पे मिलता है। तो उसमें इनफैक्ट इन्वेस्ट करना ज्यादा आसान है इन सम सेंस। अब ETF में क्या होता है कि एटलीस्ट जो आप US मार्केट ले लीजिए या कोई भी डेवलप मार्केट ले लीजिए, उसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में आज की दुनिया में कुछ 15 ट्रिलियन डॉलर बहुत उनमें बड़ी है, रकम। बहुत बड़ी रकम है। तो 15 ट्रिलियन डॉलर इज इन्वेस्टेड इन ETFs, जबकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है उसका जो मार्केट शेयर है ETF से थोड़ा कम है। और ये इसलिए बिकॉज ETF में आपकी फीस जो आप देते हैं वो बहुत कम बहुत होती कम है। होती है। तो आपकी फीस कम होती है, लिक्विडिटी जिसे कहते हैं कि आप जब खरीद बेच सकते हैं वो ज़्यादा होती है, और क्योंकि वो बिल्कुल स्टॉक की तरह ही मिलता है। और एक ETF के अंदर आपको कभी किसी ETF में 20 स्टॉक मिलेंगे, किसी में 30, किसी में 50, तो वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं एक बास्केट ऑफ स्टॉक थ्रू एन ETF। तो ETF जो एक म्यूचुअल फंड का ऑल्टरनेटिव ही मान लीजिए, वो ज़्यादा पॉपुलर है US मार्केट में या यूरोप में, UK में और इन सब कंट्रीज में। आई थिंक एक वजह ये भी है कि यहाँ पर ETF, पता नहीं वो वजह है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत बहुत ही कन्वीनियंट है। आपके पास एक डीमैट अकाउंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ जाइए किसी भी, इतने सारे प्लेटफॉर्म आजकल है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, आप वहां जाइए और एक SIP शुरू कर दीजिए अपनी। बिल्कुल तो आपके पास अगर हर महीने 2,000 ही बचते हैं तो आप 2,000 की SIP कर देंगे और अपने आप वो कटता रहेगा, आपके अकाउंट से पैसे बिल्कुल निकल रहे हैं और आपको यूनिट्स मिल रही है। यहाँ बिल्कुल, पे थोड़ा काम बढ़ जाता है लोगों का हाँ थोड़ा सा ज्यादा रहता है, कि लेकिन उसमें भी जैसे हमारे जैसे प्लेयर्स हैं, आप जैसे आप क्रिस्टल डॉट AI देखिए, हम भी ETF में SIP करवाते हैं। तो ETF भी आप बिल्कुल आप $100, $500, $1,000 का SIP क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा। तो पैसा इंडिया से बाहर निवेश करना वो थोड़ा अभी भी इतना स्मूथ नहीं है, लेकिन अगर आपने लेट्स से $2,000 बाहर भेजे हैं तो आप उसको $500-$500 का क्वार्टरली SIP में भी डाल सकते हैं। तो ETF बाहर इसलिए पॉपुलर हुआ, इसलिए वो 15 ट्रिलियन तक गया है, क्योंकि उसका कॉस्ट कम है और वो फिर उसके उसका समझना भी काफी आसान है लोगों के लिए। तो लोग देखते हैं कि जहां मैं 1% फीस दे रहा हूँ और जहां मैं 0.1% फीस दे रहा हूँ, तो द डिफरेंस इज ह्यूज। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में जो रोल म्यूचुअल फंड प्ले करता है वो ETF भी वही रोल प्ले करेगा? इफेक्टिवली वही है। सो म्यूचुअल फंड में आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो खुद से कभी कुछ स्टॉक्स खरीदते हैं, बेचते हैं। ETF एक ऑलमोस्ट स्टैटिक बास्केट की तरह मान लो, या एक इंडेक्स फॉलोअर की तरह मान लीजिए। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, नैसडैक ETF का। तो नैसडैक ETF में आपका ऑलमोस्ट 45% एलोकेशन ये फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब में आ जाता है। तो वो ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, और जितना एक साल बाद अगर मार्केट ऊपर नीचे होती है उस हिसाब से करता है। अच्छा। तो उसका एलोकेशन चेंज होता रहता है अपने आप ही। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप उसमें बस SIP डाल सकते हैं और 1,000, 1,500 जितना भी आपको चाहिए आप उसमें खरीद सकते हैं। तो अगर क्रिस्टल के थ्रू लोग ETF में निवेश करने की सोचे तो आप सिर्फ US के ETF नहीं ऑफर करेंगे, ये समझना सही है? हाँ, तो एक्चुअली हम US के ETF भी देते हैं, हाँ बाकी कंट्रीज के भी देते हैं,
बट बाकी कंट्रीज जैसे आप देखिए जापान में भी होंगे, सिंगापुर में है, हांगकांग में है, यूके में है, यूरोप में है, बट यूएस वाला सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो यूएस ETF से स्टार्ट करना सबसे सिंपलेस्ट माना जाएगा। और कितने नंबर्स में अगर चेक करें कितने ऑप्शन मेरे सामने होंगे? तो ETF तो काफी सारे हैं, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म, हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम उसको क्यूरेट करके दिखाते हैं कि अगर मान लो 1000 ETFs हैं तो हम 1000 दिखाएंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि कौन से वाले सबसे ज्यादा सूटेबल हैं और अप्रोप्रिएट हैं, वो ही हम अवेलेबल करते हैं। तो लगा लीजिए हम कुछ 40 से 50 से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एंड वो आप या तो अपने प्रोफाइल के हिसाब से चूज करवा सकते हैं एल्गोरिथम के थ्रू, या खुद ही चूज कर सकते हैं। Okay. और साइज एक ETF का कम होता है, जैसे आप लीजिए कि कोई ETF होएगा लेट्स से $300 का, तो उस $300 में आपको इफेक्टिवली 10 कंपनीज मिल रही हैं, तो आप समझिए आपने हर कंपनी में $30 डाल दिया। Okay. इस तरह का आप मतलब अजम्पशन ले सकते हैं, उनका थोड़ा परसेंटेज एलोकेशन अलग होता है, बट मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके कह रहा हूँ। तो अगर आप जाके एक एक स्टॉक खुद से खरीदेंगे, आप हर ट्रांजैक्शन चार्ज देंगे, आपको स्टॉक के बारे में सोचना पड़ेगा, सिंगल स्टॉक में रिस्क भी ज्यादा होता है, तो ये बना बनाया पोर्टफोलियो है और छोटे साइज में मिल जाता है। Okay. और आप कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं, बट जो रेकमेंडेड है वो ये है कि आप इसको भी म्यूचुअल फंड की तरह ही ट्रीट कीजिए, इक्विटी में ही आप निवेश तो इक्विटी में हो रहा है, तो उसको छोटे वक्त में देखना वैसे भी बहुत समझदारी वाला काम नहीं होगा। एक चीज जो सब कुछ सही है, लेकिन निवेश हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पैसे हमें कमाकर वापस दे सके, तो रिटर्न एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप रिटर्न के बारे में कुछ शेयर कर सकें कि किस तरह का रिटर्न दिया है ये इन तरह के बाहर वाले ETF ने। सो डिपेंड करता है कौन से ETF पे देख रहे हैं, बट जो सबसे पॉपुलर है आज की डेट में वो है NASDAQ ETF। अच्छा, NASDAQ वो है जहाँ पे आज की दुनिया के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लिस्टेड है। तो आपको एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, इन सब में, फेसबुक, इन सब में अगर निवेश करना है तो आप NASDAQ ETF लेते हैं। तो NASDAQ ETF फॉर एग्जाम्पल हैज डिलीवर्ड अ रिटर्न जो मतलब आप ये लगाइए, अगर आप 3 कंपनीज ही लें जो मैं पिछली बार भी कह रहा था कि ये एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल मिलके कुछ इज मोर देन द इंडिया कैपिटल मार्केट का साइज, तो इसका रिटर्न मुझे अभी एग्जैक्टली तो पता नहीं है, बट आई नो कि इनका रिटर्न हैज बीन द मैक्सिमम कंपेयर टू एनी अदर इंडियन इंडेक्स ओवर द लास्ट 10 years। अच्छा, हाँ, तो मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ। तो ओके, ये हो गई ETF के बारे में डिटेल में बात। यहाँ पर आपने एक बात कही थी कि 70,000, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि 70,000 मिनिमम आप अगर निवेश करेंगे तो बेहतर होगा। हाँ। वहाँ से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में तब से चल रहा था कि भाई अगर मेरे पास 70,000 नहीं है, बस 10,000 ही है, तो क्या मैं निवेश करूँ? तो आप सलाह देंगे कि हाँ इतने पैसे पे भी आप शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल, आप समझिए आप सैम्पलिंग कर रहे हैं, आप जैसे हमें टेस्ट कर रहे हैं ऐसे मान लीजिए, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो दैट इज वेलकम, ऐसा कुछ वो मना नहीं करते हैं। लेकिन उसमें लाइक आई सेड कि अगर बैंक अगर आपको कुछ चार्ज लगा रहा है, जैसे कई बार बैंक कहते हैं पैसा भेजने में वो लेट से ₹500 लगा देंगे या ₹100 लगा देंगे, तो अगर आप 9,500 वही बचेगा तो वो फिर ज्यादा महंगा लगता है। और अगर जिनको भी आपके प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश करना है, वो प्रोसेस क्या है एनरोल करने के लिए और कितना वक्त लगता है इसको? तो बिल्कुल सिमिलर है जैसे आप इंडिया में म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो आप आके ऐप पे या वेब पे आप डाउनलोड करके आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना साइन अप करके। KYC की जरूरत पड़ेगी? हाँ, पैन के साथ आपका CKYC हो जाता है, और हम अपने सिंगापुर ब्रोकरेज आप मान लीजिए उसमें आपको अकाउंट दे देते हैं। अच्छा। और उसके थ्रू आप US के ETF ले सकते हैं, किसी और कंट्री के ETF भी ले सकते हैं, और कोई चार्जेस नहीं है। $5,000 तक कोई चार्ज, कोई चार्ज नहीं, और उसके ऊपर 5,000 के ऊपर हम हर एक परचेज पे $1 लेते हैं। ओके, आशीष, हमने कहा था कि पैसे पहले मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट पहले बैंक जाएगा या पहले कैसे प्रोसेस क्या था ये? मैं दोबारा समझा देता हूँ। हाँ। सो क्या होता है कि आप मान लीजिए आपने क्रिस्टल का अकाउंट खोला, आपने CKYC पैन के थ्रू आपने क्रिस्टल का अकाउंट खुल गया, लेकिन पैसे आपको अपने बैंक अकाउंट से ही भेजने हैं, तो आप अपने बैंक अकाउंट पे जब आप पैसे भेजेंगे तो रेगुलेशन के हिसाब से आपको एक A2 फॉर्म लगता है, एक CA सर्टिफिकेट लगता है कि आपने टैक्स दे दिया है उस पैसे पे। अच्छा। तो वो जो फॉर्म्स हैं वो हम ऑनलाइन अवेलेबल करा देते हैं। ओके। तो आप उसको प्रिंट करके भर के आप स्कैन करके भेज सकते हैं और अपने बैंक को या तो आप खुद भेज सकते हैं या हमारे थ्रू भिजवा सकते हैं, और एक बार उनके पास वो फॉर्म्स आ गए तो फिर वो आपका इंस्ट्रक्शन
लेट्स से बोलेंगे आप मेरा 3 लाख भेज दीजिए, तो वो 3 लाख रुपए भेज के जो भी आपका 4-4.5 हज़ार तो हर ट्रांजैक्शन पे मुझे ये फॉर्म सबमिट करना, हर बार जब आप पैसे बाहर भेजते हैं करेंगे तो फिर आपको ये फॉर्म्स भरकर अपने बैंक को देने पड़ते हैं। और आपने कहा कि 3.5 लाख तक के निवेश पे कोई चार्ज आप अभी नहीं लेते हैं, और उसके ऊपर हर ट्रांजैक्शन पे 70 रुपीज़ जो भी डॉलर का रेट चल रहा होगा, ये मान के चल रहे हैं, बिल्कुल तो इतना चार्ज लगेगा। तो ये थी जो crystal.ai ऑफर कर रही है अपने निवेशकों को विदेशी बाजार में निवेश करने का एक तरीका ETF के जरिए, और उसकी डिटेल्स कैसे अकाउंट खुलवाना है अगर आपको निवेश करना है तो, मिनिमम कितना कर सकते हैं, क्या चार्जेस हैं, प्रोसेस क्या है, और ETF में निवेश करना क्यों अच्छा या फ़ायदेमंद होता है, ये सब जानकारी हमने आपको आज के वीडियो में दी है। जाहिर सी बात है जब इन्फॉर्मेशन दी है तो सवाल आएंगे, सवाल नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ अच्छा लगा हो वीडियो के बारे में तो ज़रूर हमें लिखिए, आप लाइक करिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी को हमारे साथ हमारे दर्शकों के लिए इतने आसान शब्दों में बताने के लिए, ये बहुत ज़रूरी था कि इसको आसान शब्दों में बताया जाए ताकि उन्हें समझ में आए कि क्या है ये निवेश का विकल्प। तो फिलहाल के लिए इतना ही, याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं सावधानी समझदारी और ऐड कर दीजिए जानकारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, बी वेल्दी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।